सीरियल गुर होते हैं। फिर है श्यामा तुलसी जो सबसे जबरदस्त है, पूरे आयुर्वेद में श्यामा तुलसी को बोला जाता है कि इसके इतना इफेक्टिव कोई नहीं है। और पांचवा बबली तुलसी, बबली तुलसी। और पांचवा है तक्सुनिया, तक्सुनिया की वजह से जिसमें विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी मिलता है, सॉरी विटामिन ए विटामिन सी इसमें मिलता है तक्सुनिया में। और तक्सुनिया के इस्तेमाल मैं वहां करता हूँ जहां भी अस्थमा है, ब्रोंचाइटिस है, जहां भी ब्रोंको डायलेटर ग्रुप में अगर मैं अस्थमा को तोड़ू तो तक्सुनिया एक ऐसा तुलसी होता है जो कि ब्रोंको डायलेटर ग्रुप में सोमलता हर्ब के बराबर काम करता है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सोमलता हर्ब के बराबर तक्सुनिया तुलसी काम करती है। स्किन के ऊपर कोई भी समस्या हो या अस्थमा में केस हो आप लगा सकते हैं। यानी कि अगर तुलसी आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं गर्म पानी में सुबह, तो आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपको बाहर निकाल सकते हैं। तुलसी के बारे में एक चीज और बताना चाहता हूँ, तुलसी हमारा एल्केलाइन होता है, तुलसी हमारा एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन का मतलब होता है कि बॉडी का पीएच का मान, पीएच बैलेंस, जैसा कि गोविंद सर ने भी बताया था पीएच के बारे में, वही से फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर एल्केलाइन होता है तो क्षारीय हो गया, यानी कि आपको हार्ट अटैक की संभावना नहीं होगी। फिर से दोहराना चाह रहा हूँ, हार्ट अटैक की संभावना नहीं, अगर आप तुलसी का सेवन करते हैं तो हार्ट अटैक की संभावना नहीं होगी। तुलसी हमारी तुलसी ओरिजिनल है, दूसरों की तुलसी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अंतर किस लिए होता है कि जब आप अपनी फाई तुलसी को जब आप पानी के बूंद में डालेंगे तो देखिएगा धीरे से कतार जाएगी, और कतार जाने के बाद नीचे जाके तुरंत घुलना शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ा सा लेयर जाने के बाद ही घुलना शुरू हो जाता है और लास्ट में जमीन के सतह पर नहीं गया। अगर किसी भी कंपनी की तुलसी जमीन के सतह पर गई, ग्लास के सतह पर गई, यानी कि उसमें तुलसी नहीं मिला हुआ, उसमें कालमेघ मिला हुआ है। तुलसी की प्रजाति का एक हर्ब होता है जिसको बोलते हैं कालमेघ, जिसका इंग्लिश साइंटिफिक नेम होता है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, जो कि भूख पैदा करती है, केवल भूख पैदा करती है। हमारा तुलसी आप नाकों से सेवन कर सकते हैं, कोई भी ऐसा अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने सांसों को, क्योंकि हमने सांस लिया 36,000 गैलन हम पर डे सांस लेते हैं जो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, अगर मैंने उसका लिया उसका सेवन करने आप चाहते हैं कि मैं अपने सांस की नली को साफ करूं, तो साफ करने के लिए आप नाक से एक बूंद यहां ले सकते हैं, एक मिनट विद इन वन मिनट 60 सेकेंड्स आप देख सकते हैं कि आपका पूरा कफ बाहर आ जाएगा, या तो उल्टी के माध्यम से बाहर आ जाएगा नहीं तो आप नाक के माध्यम से पूरा कफ बाहर आ जाएगा। अगर आपका सरदर्द कर रहा है तो आप नाक के माध्यम से ले सकते हैं, बॉडी पे कहीं भी किसी भी प्रकार के अगर दाद खाद खुजली हो चुका है तो वहां पर आप इसकी तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे तुलसी के बारे में और